नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज भी हम मौजूद हैं मानखुर में, जहां पर धर्मवीर संस्था के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दही उत्सव का मटकी फोड़ने का आयोजन किया गया है। यहां आते हैं कई हजारों की संख्या में जो यहां पर भीड़ उपस्थित होती है। यहां पर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह का और यहाँ मनोरंजन का भी है। तो यहाँ पर जो स्थानीय सांसद हैं मनोज कोटक भी अभी भी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने जो यहाँ का कार्य, जो लोगों को सुविधा देने का जो कार्य किया है, उन्होंने भी यहाँ पर मानखुर और गोवंडी के जो मानखुर स्टेशन का काम जोरों पर रहेगा। और हम भी यहाँ पर खबरें आज भी की तरफ से मौजूद हैं। मेरे सामने देख सकते हैं कितनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दही उत्सव के लिए शामिल होते हैं। बहुत ही बड़ा प्यारा उत्सव है, जैसे कि इस प्रोग्राम के आयोजक धर्मवीर सामाजिक संस्था के हमारे धर्मवीर साहब ने कहा है कि किस तरीके से उनका योगदान रहा है इस क्षेत्र में। तो कार्यदर्शी खासदार श्री मनोज कोटक साहब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वक्त से निकालकर मानसून के प्रति उनका जो प्यार है और धर्मवीर सामाजिक संस्था पर खास करके हमारे धर्मवीर सिंह जी के साथ है और वो पारितोषिक बहुत आता लिया भाजपा के सचिव है, इसलिए मुंबई के धन्यवाद। और इतने खासदार साहब आए, जरा आप लोगों का प्यार मोहब्बत देखते जो यहाँ पर उपस्थित है। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत और भगवान श्री कृष्ण का संदेश देने वाली कृष्ण जन्माष्टमी हर साल इस मानखुर्द के क्षेत्र में इस हिंदुत्व की ज्वाला को धर्मवीर सिंह जी जिंदा रखते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े उत्साह से मानखुर्दवासी मिलकर मनाते हैं। और उसी सिलसिले में आज दही हांडी के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। इस मानखुर्द क्षेत्र को, मानखुर्द और गोवंडी दोनों स्टेशनों को विकास की नई राह पे चलने के लिए आज यहाँ की जनता को हमने बधाई दी है कि दोनों स्टेशनों का अच्छा विकास होगा, नए ब्रिज बनेंगे स्टेशनों के ऊपर, एस्केलेटर लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे और ये सारी सुविधाएं मानखुर्द वासियों को मिलेगी। सर, एक सवाल है एसएमएस कंपनी को लेकर। सर, आपके 4 साल कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन अभी भी यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, प्रदूषण के कारण लोग बहुत सारे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसएमएस कंपनी के बारे में जो राजनीति जिन्होंने आज तक की है, इन सभी को मेरा ये उत्तर है कि इसका सोल्यूशन केवल हम लाएंगे। मेरी माननीय सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से इस बारे में चर्चा हुई है और जल्द ही मानखुर्द गोवंडी की जनता को एसएमएस कंपनी के इस आतंक से निजात मिलेगी। ये मैं मानता हूँ कि कब्रिस्तान की जगह फूल होने के कारण महानगर पालिका बार बार कब्रिस्तान को बंद कर देती है। नए कब्रिस्तान की जगह के ऊपर गोवंडी और शिवाजी नगर चेंबूर क्षेत्र के अंदर आबादी को देखते हुए नए कब्रिस्तान की जो आवश्यकता है, निश्चित सरकार और महापालिका से मिलकर इसका भी हम सोल्यूशन लाएंगे। सर, पिछले 4 साल में कई करोड़ रुपया कब्रिस्तान को निर्माण किए हैं, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, आपके पास क्या कहना? महानगर पालिका ने जिस तरह से नगर सेवक एक ही पार्टी के होने के कारण यहाँ गोवंडी के अंदर जिस तरह का कब्रिस्तान के अंदर घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, निश्चित हम जाँच की मांग करते हैं। कम से कम लोगों को जहां मृत्यु होती है वहां तो सुकून से ये रहने देते हैं, लेकिन इन्होंने ये नियम भी तोड़ा है
इस तरह के कब्रिस्तान के भ्रष्टाचार को कदापि सहन नहीं किया जाएगा। निश्चित ये सब रिक्त भूखंड के ऊपर आवश्यक ऐसी कब्रिस्तान से लगा के सारी सुविधाओं के लिए ये भूखंड सरकार से लिए जाएंगे। राजस्थानी उत्तर भारतीय समाज नहीं, सभी समाज के लोग धर्मवीर सिंह जी के साथ में रहते हैं, सभी समाज के लोग उनके कार्यक्रमों में उनका सपोर्ट करते हैं और पार्टी की तरफ से हम सभी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि यहाँ की जनता में धर्मवीर सिंह जी अपने सामाजिक कार्यों के कारण प्रसिद्ध है।